अरे भाई लाभ एक तरफ तो आप कन्हैया कुमार को ला रहे हैं और एक तरफ आप अमरिंदर सिंह को बाहर कर रहे हैं, तो आखिर में कांग्रेस अपने लोगों को होल्ड नहीं कर पा रही है, इसलिए ना बाहर के बोरो प्लेयर लाना पड़ रहा है। क्यों नहीं होल्ड कर पा रही है? कन्हैया भी JNU के पढ़े हुए हैं, बिहार के हैं, हम तो शुभकामना देंगे। सचिन पायलट डिमोरलाइज्ड, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के भाग गए, जितेंद्र प्रसाद पार्टी छोड़ के भाग गए, विश्व शर्मा असम में पार्टी छोड़ के भाग गए, मुख्यमंत्री हो गए, सब लोग तो छोड़ रहे हैं ना आपके सेकेंड लाइन। CPI का दामन छोड़कर कांग्रेस में आने वाले कन्हैया कुमार को बिहार में केवल RJD ही पहचानने से इनकार कर रही है। राजद के प्रवक्ता भाई वृंदर ने कहा कि वो किसी कन्हैया कुमार को नहीं जानते। बिहार के बाकी सभी दल कन्हैया कुमार के बारे में कुछ ना कुछ बयान जरूर दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते और कांग्रेस को छोड़कर JDU में आए राज्य के मौजूदा भवन निर्माण मंत्री ने कन्हैया कुमार को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता भी जताई है। एक जमाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में JDU के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को गाली देकर राजनीति में आए कन्हैया से कांग्रेस के लिए कोई चमत्कार की उम्मीद बेईमानी है। कांग्रेस में कुछ ना कुछ संकट जरूर है, यही वजह है कि कांग्रेस के स्थापित लोगों को मजबूरी में पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। सचिन पायलट डिमोरलाइज्ड, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के भाग गए, जितेंद्र प्रसाद पार्टी छोड़ के भाग गए, विश्व शर्मा असम में पार्टी छोड़ के भाग गया, मुख्यमंत्री हो गए, सब लोग तो छोड़ रहे हैं ना आपके सेकेंड लाइन। अशोक चौधरी ने कहा कि कन्हैया बिहार के हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं लग रहा कांग्रेस में। एक जमाने में असम में विश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, UP में जितिन प्रसाद कांग्रेस की दो पीढ़ियों के नेता थे और अब भाजपा के मंत्री हैं। पंजाब में क्या हुआ अमरिंदर सिंह का, कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या नहीं किया पंजाब में, उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर हटा दिया गया, अब वही नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की प्रतिमा का इस्तेमाल राजस्थान में कांग्रेस ने नहीं किया, वो अपमानित होकर बैठे हुए हैं, ऐसे में कन्हैया क्या कर पाएंगे ये तो समय बताएगा।